जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। उम्मीद है आप सब आपका परिवार अच्छा होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने द कल्ट ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। सो भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मंडे नाइट रो के बारे में। यार करीबन 3 से 4 साल बाद मैंने कोई लाइव रो देखी है भाई। सही कह रहा हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ गया था भाई ताकि नींद ना आ जाए दोबारा। मंडे नाइट रो को देखा 6:30 बजे और अमेजिंग शो यार, अमेजिंग शो, मजा आ गया। मजा क्यों है पता है? क्योंकि सीएम पंक एंड द रैंडी ऑर्टन, इन दोनों की बदौलत मैंने ये शो देखा है और मजा आ गया था। सही कह रहा हूँ। तो आज इस शो में, इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहे अंत तक। दोस्तों देखिए, उम्मीद है कि अब सीएम पंक रेगुलर दिखने वाले हैं और सीएम पंक को WWE कंपनी ने एडवाइस कर रखा था मंडे नाइट रो के लिए, जो कि ये शॉकिंग था भाई। क्योंकि पहली बात तो बिलीव ही नहीं हुआ, सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज के अंदर फाइनली रिटर्न कर चुके हैं WWE कंपनी के अंदर। क्योंकि सीएम पंक और WWE का नाम एक साथ लिया जाए भाई, असंभव असंभव चीज थी यार। आई थिंक ये सच हुई है कहीं ना कहीं। इससे बढ़िया चीज मुझे लगता नहीं रेसलिंग बिजनेस के अंदर, प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर कोई और हो सकती है। और आई थिंक ये सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन जितने भी अब चल रहे हैं, दिस इज द बेस्ट WWE। मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, ये WWE का सबसे प्राइम टाइम चल रहा है अभी। बिकॉज ये बताया जा रहा है कि एटीट्यूड एरा से भी परे है, एटीट्यूड एरा को भी इसने परे छोड़ दिया भाई। सही में यार अमेजिंग, मजा आ गया भाई, सही कह रहा हूँ। और फाइनली मंडे नाइट रो की बात करें तो भाई शो के किक ऑफ में मुझे उम्मीद लग रही थी कि भाई सीएम पंक किक ऑफ करेंगे, क्योंकि भाई एक बहुत बड़ा मेजर रिटर्न था, 10 सालों बाद हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं, रैंडी ऑर्टन रिटर्न करते हैं किक ऑफ में और वो आते हैं, सारी बातें करते हैं रैंडी ऑर्टन दवाई पर कि किस तरह से मैं आया, मेरी जर्नी, मेरी इंजरी, जो भी हुआ। लेकिन मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं अगले 10 सालों तक इस कंपनी में हूं और उससे भी ज्यादा। तो रैंडी ऑर्टन की उम्मीदें तो यही है कि भाई वो अगले 10 साल कंपनी में रहना चाहते हैं। लेकिन भाई आप जानते हैं वक्त का कुछ नहीं पता, हम तो चाहते हैं कि हम ये करें वो करें, लेकिन आगे भगवान के हाथ में है। तो मैं तो चाहूंगा भी ऐसा हो। अब देखते हैं कि भाई अब रैंडी ऑर्टन रिंग में खड़े होते हैं तभी उनको इंटरप्ट करती है रिया रिपली, मर्दों वाली औरत। और ये मर्दों वाली औरत आगे भाई साथ में चूजा भी होता है उसका लड़का। और रेन में भाई साहब मैं वेट कर रहा था कि कब आरके पड़ेगी भाई, कब आरके पड़ेगी। वहां के सारे फैंस भी चिल्ला रहे थे कि प्लीज आरके हो। तो रिया रिपली कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन बहुत अच्छी बात है तू वापस आ गया, लेकिन अब यहाँ सब बदल चुका है, अब जजमेंट डे टॉप पर है, तू नहीं, ब्लड लाइन खत्म हो चुकी है, तो जजमेंट डे ही है और तू जजमेंट डे में शामिल हो सकता है। तो रैंडी ऑर्टन कहती है, फिर रैंडी ऑर्टन माइक लेता है। रैंडी ऑर्टन कहता है कि मैं जब से मैं इंजर्ड चल रहा हूँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुम्हें देखता था तुम किस तरह से सारी चीजें हैंडल करती थी। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी देखता था ना एक ही चीज चलती है तुम्हारे ग्रुप में, मामी इज मामी डैड, मामी इज मामी डैड, मामी इज मामी डैड। लेकिन भाई फिर रैंडी ऑर्टन कहता है नाउ सब खत्म है बिकॉज डैड इज होम। ओ भाई साहब, फिर सारे चैंट्स हुज योर डैडी, हुज योर डैडी, हुज योर डैडी। लेकिन हार क्यों नहीं पड़ी यार भाई, क्या होता है वो डोमिनो मिस्ट्री वो पंगे लेना शुरू कर देता है, वो अटैक करता है रैंडी ऑर्टन के पीछे से, जेडी मैकडोना आता है भाई, फिर भाई की हार क्यों पड़ती है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, मजा आ जाता है। और देखा जाए तो मंडे नाइट रो की शुरुआत बहुत अच्छी है बिकॉज रैंडी ऑर्टन, और यार रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अमेजिंग यार, अमेजिंग। वही टी शर्ट पहनी है सबसे, 2015 से मैंने रैंडी ऑर्टन को विदाउट टी शर्ट देखा था बिकॉज वो हुडी सी पहन के आ जाते थे, वो मेरे को सही लगती थी उनकी जो ड्रेसअप थी। लेकिन भाई अब देखा है रैंडी ऑर्टन की मर्चेंडाइज भी सेल पर आएगी, कोई ना कोई तो बनेगी, लेकिन टी शर्ट में रैंडी ऑर्टन वाइपर रिस्पेक्ट दे। उसके बाद दोस्तों अगली सेगमेंट की बात करें, ये थी नन अदर देन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। मेन मेन टॉपिक की बात करेंगे भाई, और कोडी रोड्स आते हैं रिंग के अंदर। कोडी रोड्स कहते हैं कि व्हाट यू गोना टॉक अबाउट, वही हमेशा उनकी लाइन। और यहाँ उम्मीद थी कि कोडी रोड्स के लिए अब सब अलग हो चुका बिकॉज उनकी डेस्टिनी क्लियर थी रोमन रेंस। और वहीं कोडी रोड्स बात करते हैं कि बहुत कुछ हुआ सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और सबसे बड़ी चीज है कि द वाइपर का रिटर्न हुआ, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हुआ, और उस मैच में हुआ जिस मैच को मेरे फादर ने बनाया था। क्लियर बात है, वॉर गेम का जो स्ट्रक्चर, वॉर गेम आपने मैच देखा, उस वॉर गेम का जो फर्स्ट इंडक्टी था वो डस्टी रोड्स थे जो कि कोडी रोड्स के फादर हैं। और कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने अपने मेंटोर को फ़ोन किया रैंडी ऑर्टन को, और उसने मेरी ये आवाज़ सुनी, मेरी बात मानी और वो आके उसने मेरा साथ दिया, और उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि एक और शौक मिला हमें सर्वाइवर सीरीज के अंदर जिससे सब परिचित नहीं थे, वो था सीएम पंक का रिटर्न, और सब एक्साइटेड हुए थे सीएम पंक सीएम पंक। और फिर क्या होता है भाई, एंड देन क्या होता है,
कोडियोर्स कहते हैं कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों कोडियोर्स यहाँ पर बिग अनाउंसमेंट करते हैं। कोडियोर्स कहते हैं कि मैं अपने आप को ऑफिशियली डिक्लेयर करता हूँ फॉर द रॉयल रंबल 2024 के लिए। मैं वहाँ पर एंट्री लूंगा और मैं उस मैच को जीतूंगा और फिर मैं अपनी स्टोरी को कंप्लीट करूंगा रेसलमेनिया 40 के मेन इवेंट में। तो दोस्तों ये तो हम सबको पता है, लेकिन भाई अब चीजें क्या चलने वाली है कोडी रोड्स के लिए वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बिकॉज अभी रॉयल रंबल को होने में 2 महीने पड़े हैं, मैं मानता हूँ 2 महीने हैं, लेकिन भाई ये कैसे चलेगा तब तक चीजें देखना काफी होगा। लेकिन तब तक के लिए हम सोच रहे थे क्या होगा, लेकिन भाई देर आ दुरुस्त है, अचानक लाइट बंद हो जाती है, हमें लगता है कि भाई किसी का रिटर्न हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। शिंसुके नाकामुरा पीछे से आकर कोडी रोड्स पर अटैक कर देते हैं, भाई वो मिस्ट्री मुंह से फेंक देते हैं लाल लाल सी और कोडियर्स की आंखों में जा गिरती है, उसके बाद नाकामुरा निकल जाता है। लेकिन मैं एक बात से खुश हूँ कि भाई नाकामुरा को पुश दिया जा रहा है। नाकामुरा को पहले रोलर्स के खिलाफ 2 मैच मिले, उसके बाद उसको कोडियर्स के अगेंस्ट अब शूट मिलने वाली है। तो देखा जाए तो सही है भाई, कोडियर्स को भी बिजी रखा जाएगा नाकामुरा के साथ आई थिंक रॉयल रंबल तक, जो भी होगा देखा जाएगा, इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। अब कोडियर्स का फ्यूचर में रॉयल रंबल वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे क्या है, ये अभी इस बारे में कोई कहना जल्दबाजी होगी, इसलिए हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं सेथ रॉलिंस, द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस। अब सेथ रॉलिंस के लिए सब चीज़ें नहीं होनी थी बिकॉज सर्वाइवर सीरीज खत्म हो चुकी है, अब उनको टाइटल डिफेंड करना था। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिंग के अंदर आते हैं और वो सबसे पहली बात तो भाई सीएम पंक को इशारा करते हैं, कोई फैन सीएम पंक। कोडियर्स कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिटर्न कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इस कंपनी की जिसने इज्जत बचाई है वो मैं हूं और जिस इंसान ने इस कंपनी की इज्जत डुबाई है वो सीएम पंक है। तो सेथ रॉलिंस का इशारा साफ था कि वो पंक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना आपको इस वीडियो कल की वीडियो में कि भाई अभी सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फ्यूड अभी नहीं होने वाली है, रेसलमेनिया तक जाने वाली है, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला बिकॉज अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। इसी में भाई ड्रू मैकइंटायर आते हैं, ड्रू मैकइंटायर इंटरप्ट करते हैं सेथ रॉलिंस को और वो कहते हैं कि मुझे एक और मैच चाहिए तुम्हारे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल का, और पहली बार तुम जीत गए थे लेकिन उसके बाद जो है मैं वॉर गेम में इंक्लूड हुआ जे उसको मारने के लिए, मैं अच्छा इंसान ही अभी भी, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, अगर तुम मुझे समझ रहे हो बुरा इंसान ऐसा नहीं है। भाई ड्रू मैकइंटायर ऐसा फेस दिखा रहे थे अपने आप को, लेकिन वही बात है यार, फिर सेथ रॉलिंस ने कहा कि मेरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच सेट है नेक्स्ट वीक के लिए, मैं टाइटल डिफेंड करने वाला हूँ अगेंस्ट भाई जे उसो का नाम लेते हो उसी बार भाई ड्रू मैकइंटायर चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, ड्रू मैकइंटायर सेथ रॉलिंस पर अटैक कर लेते हैं, इसी बीच जे उसो आके सेथ रॉलिंस को सेव करते हैं और ड्रू मैकइंटायर को रिंग से बाहर निकालते हैं। भाई तो देखा जाए तो भाई ड्रू मैकइंटायर गुस्से में बहुत है भाई जे उसो से, लेकिन अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जे उसो को तो चलो ठीक है, लेकिन भाई असली अटैक सोलो से कौन ने किया था उसके पीछे पड़ा, देखा जाए तो ये है। उसके बाद दोस्तों फिर हमारा मैच सेट होता है, मतलब ये शुरू में ही हो जाता था, रेंडी ऑर्टन वर्सेस चूजे के बीच डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच, और ये मैच शुरू होता है रेंडी ऑर्टन वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच मैच शुरू होता है और भाई कमाल का एक्शन देने को मिलता है रेंडी ऑर्टन की तरफ से, चूजा तो पिटता है, चूजे को 2-3 मिलते हैं मूव मिलते हैं चूजे को मारने के लिए, लेकिन चूजा मार नहीं पाता है, उसका चूजे का दोस्त जेडी मैडोना भी आता है बीच में इंटरप्ट कर ले, लेकिन भाई उसको बाहर रिंग पोस्ट पे ही 2 बार जाके पटकता है रेंडी ऑर्टन, रिंग के अंदर फिर जाके एक कारगियो पड़ती है चूजे के और 1-2-3 होता है रेंडी ऑर्टन विनर निकल जाते हैं। तो बहुत ही मजेदार मैच था, ठीक था। अब फाइनली बात करते हैं हमारे मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग यानी कि मंडे नाइट रॉ की, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ भाई, कमेंट्री टीम के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। माइकल कोल पूरे शो में ये बोलते आए हैं कि मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल सुपरस्टार सीएम पंक रिटर्न, आई थिंक मुझे ही पता माइकल कोल भी ज्यादा सेथ रॉलिंस की तरह स्टोरलाइन में शायद इंक्लूड हो ना हो बिकॉज वही सेथ रॉलिंस को पकड़ रहे थे सर्वाइवर सीरीज के अंदर, लेकिन माइकल कोल हमेशा कहते हैं कि कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार, लेकिन हाँ भाई है वो कॉन्ट्रोवर्शियल स्टार सीएम पंक, लेकिन भाई वो कॉन्ट्रोवर्शियल है तभी तुम्हारे टिकट सोल्ड तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, आप समझ रहे हो ना, और आई थिंक सबको पता है कि सीएम पंक कौन है, और अब तो डब्ल्यूडी कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी सीएम पंक की वीडियो आना शुरू कर दी है, तो डब्ल्यूडी कंपनी को ये पता कि भाई उन्होंने कितना बड़ा बिजनेस बढ़ोरा सीएम पंक के नाम से। और भाई एक आपको बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, सीएम पंक ने यूट्यूब पर और डब्ल्यूडी की जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 75 मिलियन व्यूअर्स जनरेट कर लिए हैं भाई, समझ लो आप, ट्विटर पे तो उनके कम से कम 30-35 मिलियन व्यूअर्स हैं, भाई समझ सकते हो, आई थिंक ऐसा आज तक हुआ ही नहीं किसी का रिटर्न पर। सीएम पंक मैंने कहा ना यार, इज़ द बिगेस्ट ड्रॉ मैन, इज़ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको कोई चैंपियनशिप की जरूरत भी नहीं है, वो अपने आप में एक चैंपियनशिप, मैंने कहा क्या दिया बात, आज आपने देख भी लिया होगा। और उसके बाद सीएम पंक आते हैं भाई, एंड वही मैंने कहा था माइकल कोल क्या कह रहे हैं मैं आगे बताऊंगा। सीएम पंक आते हैं भाई और शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, और सीएम पंक भाई साहब फैंस क्या चीयरिंग कर रहे हैं डाउन, सीएम पंक भाई मजा आ गया था। तो
तो सीएम पंक आए थे रिंग के अंदर, मैं काफी उत्सुक था सीएम पंक क्या कहेंगे माइक के ऊपर, सभी कहना चाहते हैं बिकॉज माइक पे कौन नहीं सुनना चाहता उस बंदे को यार, इज अमेजिंग ऑन माइक। एंड सीएम पंक कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, आई एम इन होम। भाई साहब ये लाइन सुनने के लिए तरस गए थे हम सब, हमारे कान। फिर सीएम पंक कहते हैं कि मैं आप सबका शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं यह नहीं था फिर भी आप सबने मेरा नाम लिया, मेरे नाम पे चीयरिंग की, मेरा नाम लिया सीएम पंक, मुझे याद रखा उस सिचुएशन में भी, मुझे याद रखा जब मैं खुद को भूल गया था कि मैं हूँ कौन। तो भाई सीएम पंक कहते हैं कि फैंस का शुक्रिया आप सबका, आप सबने मेरे को याद रखा मैं कौन हूँ, और अब सब बदल चुका है, मैं बदल चुका हूँ, आप बदल चुके हैं, एक बिजनेस बदल चुका है, सो अब दोबारा से शुरू करेंगे, लेकिन मैं अब सबको मिस कर रहा था, मैं रेगुलर परफॉर्म करता था इस कंपनी के अंदर, और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की रिंग के अंदर खड़ा हूँ, मेरे लिए ये चीज़ इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है। तो सीएम पंक को ही पता है भाई क्या चीज़ें हुई हैं पास्ट में, तो सीएम पंक कहता है कि अब फ्यूचर के बारे में सोचना है। और हाँ, मेरी वाइफ एजे ली, जो बिल्कुल एजे बताते हैं कि एजे ली ने सबको। सो दोस्तों सीएम पंक बात करते हैं अपनी वाइफ एजे ली के बारे में, और ये भी कहते हैं कि भाई एजे ली ने आप सबको मिस किया है, रिगार्ड भेजा है, और एजे इज फैबुलस, एजे खुश है, बढ़िया है, और आप सबको अपना रिगार्ड भेज रही है। तो यहाँ पर सीएम पंक ने अपनी वाइफ का भी नाम लिया एजे ली का, फर्स्ट टाइम आई थिंक इन 10 सालों में, बहुत बड़ी बात है यार, आई थिंक इमेजिन। और इसके साथ ही मैं एक न्यूज़ और बता दूँ दोस्तों, एजे ली का भी रिटर्न बहुत जल्द होगा, इमेजिन कीजिए, क्योंकि सीएम पंक की वो रीजन था जिसकी वजह से एजे ली ने डब्ल्यू कंपनी को छोड़ा था 2015 रेसलमेनिया के बाद, और सीएम पंक की वो रीजन होने वाले हैं जिसकी वजह से एजे ली का रिटर्न होगा, बिकॉज ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और आप जानते हैं कि एक अगर कंपनी को छोड़ रहा है तो दूसरा वहाँ क्या करेगा। सो दोनों की इमेजिनेशन सेम है, अब एजे ली का भी रिटर्न बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, और अगर बहुत लोग नहीं जानते एजे ली को और उसका रन मैंने देखा है वो किस तरह की डिवीजन में है, अमेजिंग। आई थिंक आप अगर आप एजे ली के सेगमेंट देखेंगे, एजे ली के प्रोमोस देखेंगे डब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की किस तरह की काम करती है, अमेजिंग फिजिक तो अमेजिंग उसकी। तो सीएम पंक आगे बात करते हैं, सीएम पंक कहते हैं कि एक वाइजमैन थे, जैसे मैंने कहा कि ये भी हिंट था एक, कि एक वाइजमैन ने मुझे गाइड किया था कि 10 साल पहले कि जब मैं इस कंपनी को छोड़ रहा था, मेरा आखिरी दिन था इस कंपनी में, और वो वाइजमैन ने मुझे कहा था कि आप तू इस कंपनी को छोड़ रहा है तो तू चला जा, तुझे जाना भी चाहिए बिकॉज अभी इस कंपनी को तेरी अहमियत नहीं पता, वो भूल चुके हैं, लेकिन जब तू इस कंपनी से जाएगा तब उनको तेरी अहमियत पता चलेगी, और तब तू वापस आएगा तब तुझे वो सब मिलेगा जिसके लिए तू अभी ये सब कर रहा है, डिमांड कर रहा है। और इससे कहीं लोग ये हिंट लगा के बैठे हैं कि ये वाइज मैन पॉल हेमन है, और ये फ्यूचर में फ्यूड है रोमन रिंग्स वर्सेस द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के लिए। देखिए दोस्तों, ये वो लोग गलत नहीं है, हो सकता है वाइज मैन, आज के समय में डब्ल्यूई में वाइज मैन किसको बुलाया जाता है, नन अदर देन पॉल हेमन, और वो रोमन रिंग्स के वाइज मैन है, और इसका मतलब क्लियर कट है कि वो वाइज मैन पॉल हेमन ही है। और हम सब जानते हैं कि सीएम पंक और पॉल हेमन की हिस्ट्री क्या है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि मुझे इन दोनों का सेगमेंट देखना है, आई एम डेफिनेटली ऑब्सेस्ड विद पॉल हेमन एंड सीएम पंक, इनकी जोड़ी थी ना भाई, भाई साहब ब्रोक और पॉल हेमन की जैसी जोड़ी थी ना वैसी थी, अमेजिंग। सो पॉल हेमन ही सीएम पंक के वाइज मैन होंगे उस वक्त के, और जिसके बारे में बात करना है, बात कर चुके होंगे, अब तो मिल भी चुके होंगे, लेकिन अगर बात करें उन टेलीविजन में अभी फिलहाल इनके बीच, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ दिखने वाला, वो रोमन रेंज वर्सेस सीएम पंक ये फ्यूड हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, ये फ्यूड फ्यूचर के लिए होल्ड हो सकती है, और बहुत बड़ा मैच है, और ये रेसल मीने के अलावा तो और कहीं हो नहीं सकता, और ये मैच अभी नहीं होने वाला, ये मैच को होने में बहुत टाइम पड़ा, करीबन 2-3 साल पड़े हैं, ये अभी ये मैच नहीं होने वाला, और ये मैच वो है जिसकी फ्यूड लंबी चलेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि झट से मैच बनाया तो अगले महीने में हो गया, ऐसा नहीं होने वाला, ये फ्यूड होगी, ये मैच होगा, लेकिन अभी नहीं, रोमन रेंस भी टाइटल हार जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसके बाद ही सब कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अभी के लिए ये रोमन रेंस वैसे द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की फ्यूड पे कोई भी फ्यूचर नहीं है इनका, ये जस्ट सीएम पंक ने नेम ड्रॉप किया वाइज मैन का, पॉल हेमन तक नहीं बोला यार, ऐसा क्या होता है। और भाई कहीं मेरे को हंसी आ रही है, कई बंदे दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये पॉल हेमन है, रोमन रेंस पॉल हेमन को झाड़ेगा इस बारे में, यार रोमन रेंस को क्या लेना देना यार, रोमन रेंस को क्या लेना देना, कोई वाइज मैन बोल रहा है क्या बोल रहा है, हैं तो समझ आ रही है यार, ये बंदे ना वीडियो बनाने व्यूज पाने के लिए कुछ भी वीडियो बना देते हैं यार, शर्म आनी चाहिए यार। न्यूज़ वो तो आप डब्ल्यूडी की न्यूज़ को कवर कर रहे हो, न्यूज़ वो तो जो जेन्युइन न्यूज़ हो, ये नहीं कि कुछ भी आपने वीडियो बना ली, एक दिन में आप 5-5 वीडियो पा देते हैं व्यूज जनरेट करने के लिए, कुछ भी बोल देते हैं वीडियो में, भाई हम एक पॉडकास्ट बनाते हैं खत्म, रियलिटी बताते हैं। तो दोस्तों सीएम पंक और रोमन इसके बारे में अभी कुछ नहीं होने वाला, क्लियर कट बोल रहा हूँ,
सब बेकार की न्यूज है, टाइम वेस्ट ना करो ऐसी वीडियोस में जहाँ पर आपको सीएम वजीर मलिक देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं होने वाला, फ्यूचर में होगा लेकिन अभी फिलहाल इसके कोई चांसेस ही नहीं, फ्यूचर नहीं है अभी इसका। सो सीएम पंग यहाँ पे क्लियर कट है, अमेजिंग प्रोमो कट करते हैं। और क्या बोलूँ उनकी प्रोमो के बारे में, उनकी प्रोमो की हमेशा डेप्थ होती है। और यहाँ पर बहुत से उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई सीएम पंग AEW कंपनी को हिलाएंगे, उनके बारे में बुराई करेंगे। भाई क्यों करेंगे यार, सीएम पंग ने साफ कहा है कि मैंने सबसे बड़ी गलती की, मैंने इस प्लेस को छोड़ा और 10 सालों तक मैं परेशान रहा, आप सबको मिस करता रहा, लेकिन अब फाइनली अपने घर वापस आ चुका हूँ, अपने होम वापस आ चुका हूँ और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ मैं उस कंपनी में आ चुका हूँ। तो क्लियर कट है और अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पर रहूँगा और आप सबको वीकली दिखूँगा। मैं उस सबको मिस कर रहा था जो मैं हफ्ते में करता था पुराने दिनों में। सीएम पंग कभी ये बात करते हैं तो दोस्तों January 20, 2014 ये वो समय था जब मैंने खुद लाइव टेलीविजन पे सीएम पंग को देखा था। उस समय तो लाइव इंडिया में रो नहीं आती थी, ना स्मैकडाउन आता था, ना लाइव इवेंट आते थे। 2015 स्पोर्ट पे जनवरी में जब फ्यूड चल रही थी ब्रॉक लेसनर, जॉन सिना और सेथ रॉलिंस की, उसके आसपास शायद 15 जनवरी के आसपास 2015 में WWE कंपनी ने इंडिया में अपना लाइव टेलीकास्ट शुरू किया था रो, स्मैकडाउन और सारे प्रीमियर लाइव इवेंट का। और 2014 में यानी कि एक साल पहले रो है ना, जो रो मंडे नाइट रो, वो थर्सडे को आती थी इंडिया में, थर्सडे को 4:30 आती थी। देख लो आप गूगल कर सकते हैं इस बारे में, रो आती थी थर्सडे को 4:30 और स्मैकडाउन भी आती थी, स्मैकडाउन आती थी फ्राइडे को आती थी शायद से, हाँ क्योंकि उस समय थर्सडे को होती थी। एंड देन फिर जो सारे प्रीमियम लाइव इवेंट होते हैं, पेपर व्यू होते थे, वो संडे को दिखते थे, संडे को शाम को 4:30 के आसपास थे। हाँ तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि भाई उस समय कितना मतलब कि लाइव नहीं दिखता था, और आजकल तो भाई झट से लाइव देख लो आप, एक फ़ोन में देख लो, तो काफ़ी टेक्नोलॉजी बदली है यार। और सीएम की बात कर रहे थे, हमने मुद्दे से भटक गए सॉरी। तो January 20, 2014 और नाउ आज की डेट 10 साल ही हो चुके हैं, थोड़ा एक महीना लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, 10 साल एक डेकेड ही कह लो। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम को मेरे लिए खासकर लाइव देखना भाई आप सबके लिए भी कितना स्पेशल है यार, और आई थिंक अमेजिंग है वो बंदा। तो भाई आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक क्या चीज़ है, कमाल का बंदा है, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज देखने को मिली सीएम पंक से। और अभी चिंता मत कीजिए, ये हर हफ्ते आएगा सीएम पंक, अब रेगुलर होंगे। हाँ मुझे नहीं पता नेक्स्ट एपिसोड में सीएम पंक होंगे या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट मंडे नाइट रो में सीएम पंक होंगे, बिकॉज कोई तिक तुक बनता नहीं नेक्स्ट मंडे नाइट रो में सीएम पंक का होना, बिकॉज बहुत चीज़ें एडवर्टाइजमेंट है। मैं आपको बताता हूँ, ये सेथ रॉलिंस वर्सेस जे उसो का मैच होने वाला, ये होने वाला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच नेक्स्ट वीक होने वाला है, शायद मेन इवेंट ही होगा। और सीएम पंक तो आप जानते हैं कि भाई मेन इवेंट के बिना तो मुश्किल है, तो सीएम पंक नेक्स्ट वीक नहीं आने वाले। इसके साथ ही एक और चीज़ अनाउंस कर दी गई थी, इस हफ्ते स्मैकडाउन में ये होने वाले लोगन पॉल का रिटर्न, लोगन पॉल का रिटर्न होने वाला है। US चैंपियन बन चुके थे क्राउन जूल में, और अब लोगन पॉल का रिटर्न होगा, देखना ही होगा कौन उनका चैलेंजर होता है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगन पॉल और सैंटो एस्कोबार के बीच में अब कुछ चलने वाला है, इनके बीच ही फ्यूड चलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब लोगन पॉल का फेस टर्न हो जाएगा, क्योंकि सैंटो एस्कोबार हील है और लोगन पॉल भी एज अ हील तो काम नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगन पॉल का एज अ फेस टर्न हो जाएगा और उसका सैंटो एस्कोबार के साथ भी फ्यूड चलने वाली है, या देखते हैं क्या होता है, कौन उसको इंटरप्ट करता है। उसके अलावा भाई रोमन रेंस भड़वा तो आने नहीं वाला, आपका प्यारा रोमन रेंस द भड़वा किंग, उस बहुत भड़वे की बात करूँ, अभी तक वो हनीमून मना रहा है, बताओ यार वह कितना हनीमून मनाएगा बेटा, हनीमून से वापस आ जा समझा कर, अब तो वैसे तेरे आने की चांसेस बहुत कम हो गए हैं, बिकॉज पापा जो आ गए तेरा, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक, सो डोंट वरी अबाउट दैट रोमन रेंस, ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल, भाड़ में जा। सो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अब स्मैकडाउन होने वाली है, और सारी चीज़ें जो है बता दी है, कुछ मज़ेदार नहीं है, बिकॉज सब मंडे नाइट रो की व्यूअरशिप देखनी है मेरे को बस, जो कि आई थिंक कल रात शाम को या परसों सुबह आ जाएगी, और ये व्यूअरशिप देखनी है भाई, आई थिंक 2 मिलियन तक क्रोज है, ढाई, मैं तो कह रहा भाई 3 मिलियन आ जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3 मिलियन आएगी, लेकिन वो सीएम पंक सेगमेंट में आएगी पक्का, क्योंकि जब मैंने लाइव टेलीकास्ट देखा तो भाई लोगों ने भी देखा ही होगा, जब मेरे सब बंदा देख सकता है 3 साल बाद लाइव WWE को रो को, तो भाई इमेजिन करिए आप। सो क्लियर कट है भाई, रो की व्यूअरशिप अमेजिंग होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जी हाँ अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीएम पंक के फ्यूचर प्लान क्या होने वाले हैं, बिकॉज कुछ रिपोर्ट डेव मेल्ज़र की, बूजर रेसलिंग की, काफ़ी रिपोर्टें सामने आई है, उन रिपोर्ट के आधार पर कुछ स्पेकुलेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा सीएम पंक का आगे क्या होने वाला है, किस तरह से शूट चलेगी, किस तरह से सीएम पंक WWE कंपनी में अपीयर होंगे, उनके जो है शो टाइम क्या होने वाले हैं, शेड्यूल क्या होने वाला है,
तो तब तक के लिए बने रहे द कल्ट ऑफ रेसलिंग चैनल में, हमारे चैनल में, एंड बोली जय माता दी, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।